वेलकम टू द एनबीएस अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिक्वेंसिंग। अभी हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल को डिस्कस किए तुरंत, अब हम लोग सिक्वेंसिंग को डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या कर रहे थे? इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग ये सोच रहे थे कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए और अपना जो बेनिफिट है उसको क्या किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए। लेकिन मेरे दोस्त, हम लोग तो अब एबल है इन्वेंट्री को मैनेज करने में, लेकिन इन्वेंट्री जो आया वो क्या था? अगर आप इंडस्ट्री वाले हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल था, अगर आप कोई शॉपकीपर है तो उसके लिए वो क्या था? आपका गुड्स था जिसको आपको सेल करना है। लेकिन हम लोग एज ए इंडस्ट्री अगर ये समझते हैं कि जो मेरा रॉ मटेरियल आया उसको हम लोग मैनेज कर लें कि कितना क्वांटिटी में लाएं ताकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब लाने के बाद रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा मशीन पे। जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो एक तो है नहीं, एक ही गुड्स है उसको जैसे मन वैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, आपके पास तरह तरह के गुड्स है, अलग अलग मशीन पे उसको प्रोसेस करना है। तो एक सीक्वेंस को हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा कि कौन से सीक्वेंस, पहले कौन से गुड्स को प्रोसेस करें, किस मशीन पर प्रोसेस करें, ये सीक्वेंस को हम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक मैनेजमेंट का काम है। लोग सोचते हैं कि भाई क्या करना है, उठाओ किसी मशीन पर डालो, काम करते रहो, बस आराम ना करो, काम में लगे रहो, हो जाएगा, और क्या करना है, सिक्वेंसिंग क्यों पढ़ना है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक कि आप किस तरह से समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सिक्वेंसिंग। आइए हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सिक्वेंसिंग। मान के चलते हैं कि मेरे पास दो मशीन है, M1 और M2, दो मशीन है और हमारे पास चार गुड्स है, ABCD, चार गुड्स है, दो मशीन है। ये चार गुड्स को दो मशीन पर प्रोसेस करना है, मशीन वन पे या फिर उसके बाद मशीन टू पे, फिक्स है। पहले मशीन वन पे करना है, फिर उसके बाद मशीन टू पे करना है। लेकिन कोई भी गुड्स को उठा के प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या तो एक फर्स्ट टाइम में ए को ही उठा सकते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, या तो बी को कर सकते हैं, या सी को या डी को, किसी को भी पहले रैंडमली हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंडमली एक एक को पिक करके अब प्रोसेसिंग करना है मशीन M1 पे और मशीन M2 पे। ये जो मशीन M1 में जो 2 लिखा है A के सामने, इसका मतलब ये है कि जो गुड्स A है उसको M1 मशीन पे प्रोसेसिंग करने में 2 मिनट का टाइम लगता है। क्या कि गुड्स ए को मशीन M1 पर प्रोसेस करने में 2 मिनट का टाइम लगता है, गुड्स ए को मशीन M2 पर प्रोसेस करने में कितना का टाइम लगता है, 8 मिनट का टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये अभी समझना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंस है सिक्वेंसिंग का कि नहीं है। कोई भी रैंडम उठा के प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि टोटल टाइम कितना लगता है, और एक ऑर्डर में प्रॉपर हम लोग प्रोसेसिंग करके देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना टोटल टाइम लगता है, तब जाके हमको फील आएगा कि नहीं सिक्वेंसिंग जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि रैंडम ऑर्डर में उठाते हैं, ए को उठा लेंगे, फिर सी को उठा लेंगे, फिर डी को, फिर बी को। ठीक है, पहले हम लोग प्रोसेस किसको करेंगे, ए को, फिर उसके बाद सी को, फिर डी को, फिर उसके बाद बी को। एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, उसमें क्या कर लेते हैं, पहले कर लेंगे बी को, फिर कर लेंगे सी को, फिर ए को, फिर डी को। अब ये देखिए चारों को प्रोसेस कर रहे हैं, पहला मेथड में चार को ही प्रोसेस कर रहे हैं ABCD को, सेकंड मेथड में भी ABCD को ही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है। अब सीक्वेंस अलग अलग है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला केस वन के साथ, ये जो ऑर्डर लिए ACDB, इसमें देखते हैं कि क्या टोटल टाइम आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए को ले गए मशीन M1 पे प्रोसेस करने के लिए, जैसे ए को ले गए मशीन M1 पे प्रोसेस करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट का। टोटल टाइम 2 मिनट लग चुका है, कितना टाइम लग चुका है, टोटल 2 मिनट लग चुका है। 2 मिनट के बाद क्या होगा, मशीन टू क्या है, खाली है, मशीन टू क्या है, खाली है। तो मशीन टू खाली है तो मशीन टू पर इसको भेजेंगे, M1 के बाद M2 पर ही ना भेजेंगे, तो मशीन M2 पर लेकर गए। जैसे ही मशीन M2 पर लेकर गए तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट, 2 मिनट बीत चुका है, क्योंकि 2 मिनट किस पे हो रहा था, M1 पे प्रोसेसिंग हो रहा था, अब इस पे 8 मिनट लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 10 मिनट लग गया। 10 मिनट के बाद मशीन M2 क्या हो गया, खाली हो गया, लेकिन 2 मिनट में M1 भी खाली हो चुका था, क्योंकि 0 से 2 मिनट में तो A प्रोसेस हो चुका था, तो M1 मशीन खाली है, लेकिन M2 मशीन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कब तक, 10 मिनट तक। तो A C जब लेकर जाएंगे तो कब C को डाल देंगे मशीन M1 पे, जब 2 मिनट में खाली हो जाएगा तब डाल देंगे। तो C को प्रोसेस करने के लिए M1 पे कितना टाइम लगेगा, C को प्रोसेस करने के लिए M1 पे 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये 2 मिनट में खाली हो चुका है और उसके बाद 8 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब ये C जो है M1 मशीन पे कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 10 मिनट पे। मशीन 2 खाली है क्या, तो मशीन 2, हाँ मशीन 2 खाली हो गया, क्योंकि 10 मिनट में ए क्या हो गया होगा, कंप्लीट
प्रोसेस हो गया होगा। तो कंप्लीट प्रोसेस हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सी को किसको लेकर जाएंगे, एम टू मशीन पे, कितने मिनट बाद, 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद लेकर गए तो कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। एम टू पे कितना टाइम लग रहा सी को, 4 मिनट। तो 10 मिनट ऑलरेडी बीत चुका है और प्लस 4 मिनट, मतलब क्या हो गया, 14 मिनट के बाद क्या हो गया, सी भी रेडी हो जाएगा। अब आते हैं डी को, डी को समझते हैं, डी क्या होगा, डी किस पे जाएगा, एम वन पे। एम वन कितने देर में खाली हो चुका है, 10 मिनट में एम वन खाली हो चुका है। अब डी को कितना लगता है एम वन मशीन पे टाइम, 2 मिनट का। तो 10 मिनट में खाली हो चुका है प्लस 2 मिनट ये टाइम लिया, मतलब 12 मिनट में क्या हो गया, 12 मिनट में ये क्या हो गया, एम वन मशीन पे डी का क्या हो गया, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एम टू मशीन पे डी का, डी एम टू पे कितना लगता है, 6 मिनट टाइम लगता है। 12 मिनट बाद M1 से वो रेडी हो चुका है, M1 पे 12 मिनट में रेडी हो चुका है, लेकिन मशीन 2 क्या है, खाली नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 14 मिनट तक क्या है, बिजी है। 14 मिनट तक क्या है, बिजी है, किसके लिए, सी के लिए, सी में भी बिजी है 14 मिनट तक। ये 12 मिनट में कंप्लीट हो चुका है मशीन M1 पे, तो 2 मिनट इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। 2 मिनट क्या रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जैसे ही 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट के बाद इस पर प्रोसेसिंग होगा, मतलब क्या, 14 मिनट के बाद ना प्रोसेसिंग होगा, 14 मिनट प्लस टाइम कितना लग रहा है डी को प्रोसेस करने के लिए, 6 मिनट। तो 14 6 कितना हो गया, 20 मिनट, यानी 20 मिनट बाद क्या हो जाएगा, डी भी रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं बी को, बी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। बी को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। 12 मिनट में एम1 खाली हो चुका है, 4 मिनट अभी टाइम लग गया, तो 12 4 कितना हो गया, 16। 16 मिनट में क्या हो गया, बी एम1 मशीन का प्रोसेसिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं उसको लेकर जाते हैं एम2 मशीन पे, बी को किस पे ले जाते हैं, एम2 मशीन पे, कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट का। तो एम2 पे लेकर गए, 6 मिनट का टाइम लगने वाला, लेकिन एम1 का फिनिशिंग उसको 16 मिनट पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 20 मिनट तक क्या है, M2 खाली नहीं है। मतलब 20 मिनट तक M2 खाली नहीं है, मतलब क्या, कि 4 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा। 16 मिनट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 4 मिनट वेट करने के बाद उसको किस पे लोड करेंगे, M2 मशीन पे। 20 मिनट पे जैसे ही लोड किए M2 मशीन पे, 4 मिनट वेट करने के बाद, तो फिर उसके बाद उसको M2 पे प्रोसेसिंग करने में B को कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट। तो 20 मिनट ये, 20 मिनट के बाद 6 मिनट टाइम लग गया, मतलब क्या आ गया, 26। मतलब क्या पता चला, मतलब 26 मिनट में मेरा टोटल क्या हो गया, फिनिश हो गया। मतलब जो ए बी सी डी जो 4 गुड्स था उसको प्रोसेसिंग करना था, अगर ए हिसाब से करते हैं, ए फिर सी फिर डी फिर बी, तो उस हिसाब से मेरे को कितना लगता है, 26 मिनट। ठीक है भाई, टोटल टाइम कितना लग गया, 26 मिनट प्रोसेसिंग करने में। अब आते हैं सेकंड वाला, जो सीक्वेंस हम लोग लिखे हैं रैंडम, इस पे चेक करते हैं इस पे कितना टाइम लगता है। बी, बी गया किस पे, मशीन M1 पे, तो 4 मिनट में M1 से क्या हो गया, ये कंप्लीट होकर बाहर निकल गया। M2 मशीन पे गया, M2 मशीन पे कितना टाइम लगाएगा, बी 6 मिनट। तो 4 मिनट ये लगा हुआ, 4 मिनट तक तो ये M1 पे ही था, उसके बाद ना जाएगा M2 पे। तो M2 पे गया, 4 मिनट के बाद 6 मिनट टाइम ले लिया, मतलब कितना लग गया टोटल, 10 मिनट बाद M1 के बी क्या हो गया, रेडी हो गया। अब गया सी, सी क्या होगा, 4 मिनट के बाद M1 खाली है, तो तुरंत लोड नहीं कर देंगे, जब बी 4 मिनट बाद M1 मशीन खाली है तो लोड कर देंगे सी को। सी को लोड किए कितना टाइम लग गया, 8 मिनट ले लिया प्रोसेसिंग करने M1 पे। 4 मिनट बाद 8 मिनट टाइम ले लिया, 4 मिनट बाद लोड किया, 8 मिनट टाइम ले लिया, 8 4 12 मिनट में ये रेडी हो जाएगा M1 पे। अब गया M2 पे, सी को ले गए किस पे, M2 पे। सी को M1 से कंप्लीट होने में उसको 12 मिनट का टाइम लग रहा है, M2 कितने मिनट में खाली हो गया, 10 मिनट में खाली हो गया M2। ये C क्या कर रहा है, 12 मिनट टाइम ले लिया M1 पे, तो लेकर जाएंगे 12 मिनट बाद है ना, 10 मिनट में खाली हो गया, लेकिन 2 मिनट तो एक्स्ट्रा टाइम इसी पे लग गया है, तो 12 मिनट के बाद M2 पे ले जाएंगे। तो 12 मिनट प्लस में टाइम कितना ले रहा है सी, 4 मिनट। तो 12 4 16, 16 मिनट में क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा M2 पे, जो सी प्रोडक्ट है। अब ए को देखते हैं, ए क्या है, ए को कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। मशीन M1 कब खाली हो गया, 12 मिनट में खाली हो गया M1। ए क्या बोल रहा है कि 2 मिनट लगेगा, तब 12 2 कितना हो गया, 14। 14 मिनट में M1 पे क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। 14 मिनट के बाद देखे M2 खाली है, नहीं खाली है भाई, 16 मिनट बाद वो खाली होगा। कितने मिनट बाद होगा, 16 मिनट बाद, 14 मिनट में बन चुका है, 16 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। 2 मिनट वेट करेंगे, 2 मिनट वेट करने के बाद उस पर डालेंगे किसको, ए को। ए कितना टाइम ले रहा है M1 M2 पे, 8 मिनट। तब 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 मिनट बाद क्या हो जाएगा, ए भी रेडी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आते हैं किस पे, डी पे। डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कि मेरे को 2 मिनट लगेगा किस पे, एम वन पे। 14 मिनट में एम वन खाली हो गया, 2 मिनट लग गया टाइम, तो 14 दो 16। 16 मिनट में क्या हो गया, मेरा फिनिश हो जाएगा। डी, डी कितने मिनट में फिनिश हो जाएगा, 16 मिनट में। अब इसके बाद 16 मिनट में तो ये फिनिश हो गया डी, लेकिन M2 टू पर ले जाना ना, M1 के बाद M2 टू पर ले जाना। तो M2 टू पर ले जाने से पहले क्या है, M2 खाली नहीं है, 24 मिनट तक क्या है, वो बुक है, ले 24 मिनट तक क्या है, वो बिजी है। तो मेरे को वेट कितना करना पड़ेगा, 8 मिनट का। कितना वेट करना पड़ेगा, 8 मिनट का। अब 8 मिनट का वेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, 8 मिनट वेट करेंगे, 24 मिनट के बाद फिर उसको लोड करेंगे। तो D को कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट का। तो 8 प्लस
कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट का, 24 मिनट बाद ये खाली होगा, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30, 24 प्लस 6 क्या हो गया, 30, मतलब ये जो मेरा ए बी सी डी तीन चारों को जो प्रोसेस करना था गुड्स को, अगर केस टू के हिसाब से सिक्वेंस रखते हैं तो उसमें मेरे को टोटल 30 मिनट का टाइम लग जाएगा, इस अगर केस वन के हिसाब से करते हैं तो 26 मिनट का टाइम लगेगा। उसी तरह से अलग अलग केस बना सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है, पहले इसको करो फिर इसको करो फिर उसको करो फिर उसको करो, अलग अलग सीक्वेंस बन सकता है, सीक्वेंस बहुत सारा है, लेकिन अब हम लोग को एक यूनिक सीक्वेंस को खोजना है जिससे क्या हो सबसे कम टाइम लगे, क्या लगे, सबसे कम टाइम लगे। तो उस सीक्वेंस को ही समझने के लिए हमको सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्त आपको एक चीज अभी मतलब लग रहा होगा क्या कि ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग टाइम लग रहा है, क्या ऐसा बात है कि अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग टाइम लग रहा है। रीजन ये है कि मशीन क्या है, कोई फ्री रह जा रहा है, काफी टाइम के लिए बुक्ड रह जा रहा है। जैसे मैं क्या यहाँ पे देखिए 24 मिनट तक इसी में टाइम लग गया M2 पे, आई डी जो है 16 मिनट बाद M1 पर रेडी हो चुका है, और 16 मिनट रेडी होने के बाद क्या हो रहा है 8 मिनट तक क्या कर रहा है, बैठा हुआ है 8 मिनट तक, क्या है लेबर बैठा हुआ है सब, कि M2 वाला कंप्लीट कर लेगा तब ना ले जाकर उसको लोड करेंगे, तभी सब सब आराम से 8 मिनट बैठा है। जब 8 मिनट बैठ ही गया तो ये सब टाइम क्या होगा, वेस्ट न हो रहा है, जो 8 मिनट के लिए जो पैसा दिया वेस्ट न हो रहा है। यहाँ पे भी उसी तरह से हुआ, 14 मिनट पे रेडी हो चुका था, क्या बोलते हैं यहाँ कहाँ ऐसा केस आया था, एक इधर भी कुछ केस आया था जिसमें पहला ही सामान रेडी हो चुका है लेकिन मशीन खाली नहीं है, सब लेबर बैठा है। तो वैसा वैसे चीज में मैनेजमेंट करना है, उसी चीज को मैनेजमेंट, उसी मैनेजमेंट को कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ही सीखना है इंडस्ट्रियल में। तो आइए हम लोग सीखते हैं किस तरह से सिक्वेंसिंग करते हैं, क्या है तरीका का, कैसे हम एक बेस्ट सिक्वेंस निकालें, ये कौन पहले करें। देखिए सिक्वेंसिंग करने से पहले सबसे पहला जो चीज है कुछ पैरामीटर है वो सीखना बहुत जरूरी है। पैरामीटर क्या क्या है, सबसे पहला पैरामीटर है जॉब फ्लो टाइम, क्या जॉब फ्लो टाइम, पहला पैरामीटर क्या है जॉब फ्लो टाइम। अब ये जॉब फ्लो टाइम क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक क्या छोटा सा पैक में आया है 4 प्रोडक्ट जिसको आपको प्रोसेसिंग करना है, उसी तरह से अलग 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 छोटा छोटा पैक होगा जिसमें कुछ 5 प्रोडक्ट होंगे, किसी में 8 प्रोडक्ट होंगे, हर एक पैक को क्या करना है आपको प्रोसेसिंग करना है अलग अलग मशीन पे। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 मशीन है, कभी 3 भी मशीन हो सकता है, कभी 4 भी मशीन पे प्रोसेसिंग करना होगा। तो जब हम मान लीजिए इस गुड्स को, इसी एग्जांपल को लेते हैं, इस गुड्स को ले जाकर हम प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किए, तो जब प्रोसेसिंग करना स्टार्ट हुआ ये पूरे बैच को, ये जो बैच है ना स्मॉल बैच है 4 प्रोडक्ट का, तो जैसे ही बैच स्टार्ट करना प्रोडक्शन इसका मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किए हैं तो उस टाइम को नोट कर लेंगे कि किस टाइम से स्टार्ट किए हैं। स्टार्टिंग टाइम के बाद वो पार्टिकुलर जॉब जब कंप्लीट होकर बाहर निकलेगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे जॉब फ्लो टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरे पास सी का जॉब फ्लो टाइम निकालना है, एक सी का क्या का निकालना है जॉब फ्लो टाइम, जॉब फ्लो टाइम मतलब क्या, हम बोल रहे हैं कि सी का जॉब फ्लो टाइम मतलब कि कितने देर बाद जो प्रोडक्ट सी है वो रेडी हो चुका है, कितने देर बाद प्रोडक्ट सी है वो रेडी हो चुका है। तो प्रोडक्ट सी कितने बार में रेडी है, कितने देर बाद, 14 मिनट में रेडी हो चुका है, कितने देर में रेडी हो चुका है, 14 मिनट में वो रेडी हो चुका है। कहने का मतलब ये 14 मिनट क्या बोल रहा है, जब से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, जब इस बैच का प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ उस स्टार्टिंग टाइम से लेकर जब तक ये प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला तब तक का जो टाइम गैप है वो पूरे टाइम गैप को क्या बोलते हैं, जॉब फ्लो टाइम। तो अब देखते हैं केस वन के लिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं किसका जॉब फ्लो टाइम कितना है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं जो प्रोडक्ट ए है उसका जॉब फ्लो टाइम कितना है, 10 मिनट में जॉब ए क्या हो गया है, M1 M2 दोनों पे से फिनिश होकर बाहर निकल चुका है। जो बी प्रोडक्ट है उसका जॉब फ्लो टाइम कितना है, बी प्रोडक्ट केस वन के लिए देख रहे हैं, 26 मिनट बाद प्रोडक्ट बी क्या हो गया, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होकर बाहर निकल चुका है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होकर क्या निकल हो चुका है, बाहर निकल चुका है। उसी तरह से सी का देखेंगे तो सी का कितना आ जाएगा, अभी केस वन के लिए लिख रहे हैं तो सी के लिए कितना देर हो जाएगा, 14 मिनट। उसी तरह से डी का देख लेंगे, डी का कितना देर हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा 20 मिनट। तो ये क्या हो गया, जॉब फ्लो टाइम। तो एक पैरामीटर समझ गए जॉब फ्लो टाइम क्या होता है, जॉब फ्लो टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेसिंग टू द पर्टिकुलर गुड्स प्रोसेस्ड, ठीक है, ये दोनों टाइम गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब फ्लो टाइम। एक पैरामीटर हम लोग डिस्कस कर लिए, अब दूसरा पैरामीटर
दूसरा पैरामीटर क्या है, मिड स्पेन टाइम, क्या मिड स्पेन टाइम, ठीक है ना, एम एस टी मिड स्पेन टाइम। ये क्या बोलता है, मिड स्पेन टाइम होता है ना, हाँ मिड स्पेन टाइम। मिड स्पेन टाइम क्या बताता है, मिड स्पेन टाइम बताता है कि कितने टाइम के अंदर वो पूरा का पूरा जो सेट था, चार प्रोडक्ट का भी सेट था ना, ये पूरा बैच कितने देर के अंदर पूरे की तरह कंप्लीट रेडी हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट रेडी हो गया, इसी को बोलते हैं क्या, जो मिड स्पेन टाइम, एम एस टी मिड स्पेन टाइम। तो मिड स्पेन टाइम को किस तरह से डिफाइन करेंगे, मिड स्पेन टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द जॉब, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब टू द फिनिशिंग ऑफ द लास्ट जॉब, जब तक जब से पहला जॉब स्टार्ट हुआ उस टाइम से लेकर जब तक लास्ट जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, मिड स्पेन टाइम। तो केस वन के लिए मिड स्पेन टाइम कितना है, 26 मिनट, 26 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बैच क्या हो गया है, रेडी हो चुका है। केस बी के लिए मिड स्पेन टाइम कितना है, टोटल 30 मिनट के अंदर मेरा कंप्लीट प्रोडक्ट क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो मिड स्पेन टाइम फॉर केस वन कितना हो जाएगा, फॉर केस वन मिड स्पेन टाइम कितना हो जाएगा, 26 मिनट, और फॉर केस टू मिड स्पेन टाइम कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो मिड स्पेन टाइम भी समझ गए, एक टर्म समझे जॉब फ्लो टाइम, दूसरा समझ लिए मिड स्पेन टाइम, तीसरा टर्म समझते हैं। तीसरा टर्म क्या है, टार्डिनेस और ड्यू डेट, टार्डिनेस और ड्यू डेट। टार्डिनेस और ड्यू डेट क्या होता है कि कभी कभी अगर मान लीजिए ऐसा काम होता है कि दर्जी के दुकान पे गए, तो दर्जी के दुकान पे क्या होता है कि आप गए हैं, अलग अलग आदमी अपना शर्ट दिया है सीने के लिए, कोई पैंट दिया सीने के लिए, तो उसमें बोलता है कि सर इतने दिन के अंदर सील कर दे दीजिएगा, तो अपना सीक्वेंसिंग लगाएगा, पॉलिश को सीखते हैं, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको एक ड्यू डेट दिया होता है कि इस दिन के अंदर हम आपको दे देंगे, ठीक है ना, अगर इसके बाद लेट होता है तो फाइन मार देंगे, होता है ना कि भाई आप अगर इससे ज़्यादा लेट कीजिएगा तो फाइन लगेगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि आपको एक ड्यू डेट दिए हैं कि इस दिन के अंदर आपको कंप्लीट करके दे देंगे, तो जितना लेट कीजिएगा ड्यू डेट, जितना लेट कर रहे हैं आपका जो ड्यू डेट है उसके बाद, उसको क्या बोलते हैं, टार्डीनेस, उसको क्या बोलते हैं, टार्डीनेस और ड्यू डेट गैप, ठीक है। तो टार्डीनेस और ड्यू डेट गैप आप समझ सकते हैं, सिंपल है। एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, हाँ ये जरूरी है, ये समझना है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जो ए सी डी बी है, चार प्रोडक्ट है, चार प्रोडक्ट का हम लोग जॉब फ्लो टाइम निकाल दिए। कहने का मतलब कि एक एक पर्टिकुलर जो गुड्स था, मान लीजिए ए, टोटल टाइम कितने देर के अंदर वो फिनिश होकर बाहर निकल गया, ये सब निकाल दिए जॉब फ्लो टाइम से। मिड स्पेन टाइम क्या बता दिया, मिड स्पेन टाइम बता दिया कि टोटल बैच जो था वो कितने देर के अंदर प्रोड्यूस हो गया। तो हमको ये समझना जरूरी है कि एन एवरेज एक गुड्स को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, एक एक गुड्स को प्रोसेस होने में एन एवरेज कितना टाइम लगा। तो हम बोले कि क्या ये 10 मिनट लिया, ये 14 मिनट के अंदर ये हो गया, ये 20 मिनट के अंदर हो गया, ये 26 मिनट के हो गया। तो 10, 14, 20 और 26 ये सब क्या है, जॉब फ्लो टाइम है सबका, सब ये ए का, सी का, डी का और बी का। तो हम क्या करेंगे, टोटल जॉब फ्लो टाइम जोड़ लेंगे, टोटल जॉब फ्लो टाइम कि ये इतने देर रहा, ये इतने देर रहा, ये इतने देर रहा, ये इतने देर, जॉब फ्लो टाइम यही ना बता रहा है कितने देर तक वो सिस्टम में रहा। तो टोटल का सबका निकाल लेंगे सम, टोटल जॉब फ्लो टाइम का सम निकाल देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मिड स्पेन टाइम से, तो क्या दे देगा कि एन एवरेज एक गुड्स कितने देर वो सिस्टम के अंदर रहा, एन एवरेज वो पर्टिकुलर गुड्स उस सिस्टम के अंदर कितने देर तक रहा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम। एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल जॉब फ्लो टाइम, ठीक है ना, जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाई मिड स्पेन टाइम, ये क्या बता देगा, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, कितने दिन तक के लिए वो जॉब था वो सिस्टम के अंदर रहा एन एवरेज, ठीक है। ये तो था वो तीन चार टर्म बेसिक टर्म था, हम लोग आगे यूज करेंगे इसको। अब हम लोग आते हैं एजम्पशन, जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चाहे हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस स्टार्ट किए थे, चाहे हम लोग इंडस्ट्रियल स्टार्ट किए थे, इंडस्ट्रियल बोल रहे हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, एजम्पशन लिए थे, एजम्पशन लेते हैं स्टार्टिंग में कुछ, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े देर के बाद क्या करते हैं, एजम्पशन को एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों एजम्पशन लेते हैं, बार बार मैं बोला हूँ कि जब भी कोई वास्ट टॉपिक है उसको आपको एक्सप्लेन करना है तो पहले छोटा से स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटा से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, कुछ सारा एजम्पशन लेना पड़ेगा, फिर गते 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 एजम्पशन हटा के रियल लाइफ की तरफ हम लोग इंट्रोड्यूस कर जाएंगे। तो कुछ एजम्पशन है, वो एजम्पशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या है एजम्पशन समझते हैं पारा पारी। पहला एजम्पशन क्या लिखा हुआ है,
द प्रोसेसिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट, दैट इज देयर इज नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन. अच्छा क्या पहला है, द प्रोसेसिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब क्या है, तो अगर आप ए को पहले कीजिए, चाहे आप सी को कीजिए, चाहे डी को कीजिए, चाहे बी को कीजिए, किसी को आप फर्स्ट में ले सकते हैं. उस ए को फर्स्ट में लीजिएगा कि लास्ट में रखिएगा कि बीच में रखिएगा, उससे उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. कहने का मतलब कि ए को या लास्ट में प्रोसेस कीजिए या फर्स्ट में प्रोसेस कीजिए, उसको M1 पे प्रोसेसिंग करने के लिए 2 मिनट लगेगा और M2 पर प्रोसेसिंग करने के लिए 8 मिनट ही लगेगा. ठीक है ना, प्रोसेसिंग टाइम चेंज नहीं होगा चाहे आप ऑर्डर को चेंज करें या ना करें. ठीक है, दूसरा क्या अजम्पशन है, एक मशीन पे एक बार में एक ही प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग किया जा सकता है. कहने का मतलब क्या कि अगर M1 मशीन है उस पर या तो एक बार में एक ए को प्रोसेस कीजिए या बी को कीजिए या सी को कीजिए या डी को, एक बार में एक टाइम में एक ही प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जा सकता है. ये तो कॉमन है भाई, ये क्या है जंक्शन है, ये तो कॉमन बात है. एक मशीन है, एक पता चार को थोड़ा ठूस देंगे, एक बार में एक ही ना होगा, अब चार को होने वाला होगा तो होगा, लेकिन एक ही होता है, एक बार में एक मशीन पे एक ही होगा. ठीक है ना, चार चार नहीं हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी या तो डी होगा. ठीक है, एक मशीन पे एक बार में एक ही प्रोसेस होगा. तीसरा जंक्शन क्या है, वंस ए जॉब इज स्टार्टेड देन इट्स गोज टू बी फुल्ली कंप्लीटेड. कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जो ए है, ए को M1 पर प्रोसेस करने के लिए 2 मिनट का टाइम चाहिए. ठीक है, तो हम ए को गए और लोड कर दिए मशीन M1 पे, 1 मिनट बाद हुआ कहें ना ना मशीन बंद कर, बाहर निकालो बाहर निकालो, बाद में इसको करेंगे, 1 मिनट वाला काम हो गया ना, बाकी 1 मिनट बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं होगा. अगर एक बार मशीन पर इंस्टॉल हो गया तो जब तक वो कंप्लीट फिनिश नहीं हो जाएगा M1 पे, तब तक उसको बाहर नहीं निकालना है. एक बार जिसको आप स्टार्ट कर दे उसको कंप्लीट फिनिश करके ही बाहर निकालना है, M1 पे भी, M2 पे भी, M3 रहेगा तो M3 पे भी. एक बार में एक गुड्स को पूरा तरह प्रोसेस कर देना है, स्टार्ट कर दिए तो. इसका कहने का मतलब ये है. चौथा जंक्शन क्या है, अभी हम लोग बोल रहे थे कि ए पे कंप्लीट कर दिए, फिर उसके लिए जाकर 2 मिनट में कंप्लीट हो गया, फिर ए को बी पे M2 पे कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट लगेगा, तो 2 मिनट यहाँ लग चुका है और 8 मिनट ऐड कर दिए, M2 पे भी फिनिश होकर निकल गया. लेकिन इस टाइम में क्या हो रहा होगा, इस टाइम में तो ये भी तो हो रहा होगा कि जैसे आप लेकर गए होंगे M1 पे, लोड करने में लेबर को टाइम भी तो लगा होगा, फिर अनलोड करना होगा, फिर ले जाकर M2 पर लोड करना होगा, फिर वहां से हम अनलोड करना पड़ेगा, उसमें भी तो कोई टाइम लगता है. लेकिन उस टाइम को हम लोग अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब लोडिंग अनलोडिंग टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये चौथा एजम्पशन था. पांचवा क्या था, पांचवा था इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर मशीन टाइम फॉर ईच जॉब्स आर रिमेन कॉन्स्टेंट. हाँ, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, चाहे जो पहले कर लें बाद में कर ले, तो पहले ही बोल चुका हूँ. पांचवा एजम्पशन, पहला एजम्पशन लगभग ऑलमोस्ट सेम था. ये था कुछ बेसिक एजम्पशन, और खास कुछ एजम्पशन में कोई दम उम नहीं था, सिंपल सिंपल एजम्पशन है. अब हम लोग आगे समझते हैं, अब करना क्या है. देखिए, सबसे पहले 3 स्टेज में पूरे सिक्वेंसिंग को बांटते हैं. एक पहला स्टेज, एक बार में एक ही मशीन पर प्रोसेस होगा. ठीक है ना, एक मतलब एक ही मशीन पर प्रोसेस होगा. मान के चलते हैं कि जो गुड्स है केवल M1 पर प्रोसेस करना है, M2 पर नहीं करना है. ठीक है ना, एक ये केस बन जाएगा. एक केस लेकर चलेंगे कि 2 मशीन पर प्रोसेस करना है, जैसे M1 M2 अभी लिए हैं वैसे लेकर चलेंगे. एक तीसरा केस लेकर चलेंगे क्या, 3 मशीन पर प्रोसेस करना है. 3 केस को डिस्कस करेंगे, 4-5 मशीन को नहीं डिस्कस करेंगे, केवल 3 केस को डिस्कस करेंगे. गुड्स प्रोसेस ऑन 1 मशीन, गुड्स प्रोसेस ऑन द 2 मशीन, गुड्स प्रोसेस ऑन द 3 मशीन, ये 3 केस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में. सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे गुड्स प्रोसेस ऑन सिंगल मशीन. ठीक है, थैंक यू.